आपका? जी मेरा नाम इम्तियाज शेख है। अच्छा, पीछे जो चालियां हैं यहां से कुछ लोग ने कल जो है कुछ विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना ऐसा है कि यहां से रास्ता था उनका जाने के लिए। अब यहां पर कुछ प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है, तो दरअसल ये पूरे रास्ते का क्या मामला है, इसकी खबरें पहले भी हालांकि ऑलरेडी चल चुकी है, लेकिन क्या डिटेल है इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। जी पहले तो ये बता दूँ कि ये हमारी बरकत पार्क सोसाइटी जो लिमिटेड जो हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये हम इसमें जो चारों विंग है, इसमें ए बी सी डी चार विंग है और हम लोग इतने सालों से समझ लो 30 साल तो हमारी बिल्डिंग को बन के हो गया है और उनका जो बना है वो 10-12 साल हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल हुआ होगा। और हम लोग ने बीच में जब दीवार हमारी पूरी हदबंदी की हुई गई थी और बीच में क्या हो गया, कुछ लोगों ने ना दीवार तोड़ दिए और बैतुल नसर की जो प्रॉपर्टी थी ये, तो बैतुल नसर बैंक बंद हो गई थी बीच में, तो कोई ध्यान देने वाला उस वक्त था नहीं। तो उस वक्त क्या हो गया कि दीवार की बाउंड्री जो टूट गई तो वो किसी को बनाने के लिए कोई उस वक्त आया नहीं, वो ऐसे ही रह गई, तो लोगों का आना जाना वहाँ से थोड़े दिन के लिए शुरू हो गया। पर अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारा रीडेवलपमेंट हो जाए और इसकी वजह से हम लोग अपनी हदबंदी करना ज़रूरी है हमारी, हम लोग इसके लिए हमारी हदबंदी करने के लिए हमारे जो लैंडलॉर्ड है हम लोग सब साथ में मिल के हदबंदी कर रहे हैं। हम लोग ने आगे गेट भी लगा दिया, इससे पहले भी हम लोग ने इंटरव्यू वगैरह दिए थे उसमें सब बताया आपको, गेट वगैरह भी दिखाए थे कि उस वक्त जब काम शुरू हुआ था हमारा, तो ये हदबंदी करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग ये रिडेवलपमेंट करने के लिए जाएंगे तो डंपर वगैरह गाड़ी वगैरह आएगी, कोई हादसा ना हो उसके लिए कोई जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना, तो इसके लिए हम लोग ने ये हदबंदी किए थे। अच्छा, ये रास्ता जो है इसको कुछ कई साल पहले जो है मनपा अधिकारी ने भी इसको खुलवा कर दिया था ये जी, उनको इल्म नहीं था उनको उसके बारे में, बाद में जब पेपर वगैरह हम लोग ने जाके दिखाया उनको सब हुआ, तो फिर उन्होंने हम लोग को इजाज़त दी है कि वापस से तुम अपनी दीवार खड़ी कर लो। अच्छा, ऐसा बता यार कि यहाँ पर ये रास्ता जो है सालों से था, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ दोनों तरफ जो बिल्डिंगें थी तो ये स्ट्रीट लाइट किसने लगा, क्या मनपा की तरफ से लगाई गई थी किसके तरफ जी? अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी भी गाड़ी कार बाइक वगैरह रिक्शा वगैरह आती है, तो ये हमारी सहूलत के लिए मनपा नहीं लगाई है और हमारी सहूलत के लिए लगाई है। अगर हम क्या अंधेरे में रहेंगे? अब उनको ये तो समझना चाहिए कि उनके भी पीछे किधर पे भी गलियों कोचे में भी तो मनपा लगाती है ना, तो उस तरह हमारी फैसिलिटी के लिए लगाई है ना। जो पीछे बाउंड्री दीवार है वो किसने बनवाया था दीवार? वो हमने बनवाए है, बरकत पार्क सोसाइटी, बरकत पार्क की तरफ से ही बनी है, उसको हदबंदी करना जरूरी है। आते जाते थे यहाँ से वो लोग? नहीं, कुछ दिनों के लिए दिया था, जब टूट गया था तभी वो जाते जाते थे, फिर उसके बाद जब हदबंदी करना जरूरी है, हमको रीडेवलपमेंट में जाना है, हमारी बिल्डिंग भी धोखादायक हो गई है, हमको चारों विंग को रीडेवलपमेंट करना है, अब उसके लिए हम लोग को लीगल तरीके से जाना है। अब उन लोग का तो कैसा है, जीपी बिल्डर को पकड़ के उन लोग अपना जीपी बिल्डिंग बनाने का है उन लोगों को, तो उन लोगों को रीडेवलपमेंट के लिए जब आ रहे हैं। आपके जमीन जो है ये आपके नक्शे में है? जी हाँ, जी हमारे पास है, ये है ना, बता सकते हैं। मतलब ये कि ये मतलब जो रास्ता है तो ये आगे तक गया हुआ है कि बस यही बस यही तक? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है सर, रास्ता ये हमारा आंगन है। अच्छा, ये रास्ता नहीं है हमारा, ए बी सी डी का ये आंगन है। अच्छा, ये हमारे प्लॉट पर का आंगन है, ये नक्शे से इस तरह से पहले का बना हुआ है। मतलब ये बरकत पार्क कंपाउंड है, बरकत कंपाउंड चारों तरफ बाउंड्री और चारों तरफ ये था क्या पीछे खेती थी जो है नक्शा वगैरह? जी मैं बता रहा हूँ, देखिए ये देखो ये नक्शा है हमारा और यहाँ पर आप देख रहे हो ये इकबाल कॉलोनी है, इकबाल कॉलोनी, और ये जो लाल लकीर देख रहे हैं ना ये हमारी जमीन के अंदर इतनी जमीन और आ गई है उनकी, बरकत पार्क में ये इकबाल कॉलोनी इतनी आ गई है अंदर। 5 घंटा हमारा जगह इकबाल कॉलोनी में घुसा हुआ है, बिल्डिंग बनने के बावजूद हमने छोड़ दिया, उसके बाद हदबंदी कर लिया हमने अपना। हमारा टीएमसी में प्रोविजन है कि मतलब आप बाउंड्री कीजिए उसके बाद बनाने की परमिशन मिलेगी, तो हम तो लीगल काम कर रहे हैं। यानी ये जमीन आपकी है? जी हाँ, हमारी लीगल प्राइवेट लैंड है हमारी। महिलाओं का ऐसा भी आरोप था कि कुछ जब यहाँ पर आई थी रास्ता खुलवाने के लिए कल या परसों जब भी, तो उस टाइम किसी बिल्डर से आप लोगों के जो सहयोगी हैं जी, लोगों में कुछ धक्का मुक्की हुई थी, महिलाओं को धक्का मारा गया था, इसी बात नहीं वो दीवार के पीछे थे और ये दीवार के पीछे थे, ये तो कहीं गए नहीं दीवार काम करके, दीवार के बाजू तब इस दीवार से उस दीवार के पीछे की बात हो रही है। वो क्या है, पीछे चाली के पीछे कोई दलाल बैठा हुआ है जिसका नाम चांद है, और वो दलाल जो बैठा हुआ है उसने औरत बच्चे को इकट्ठा करके
लोगों को अटैक करने के लिए भेजा, पत्थरबाजी करने के लिए कि पत्थर चलाओ, टीने तोड़ो, पत्थरे तोड़ो, दीवार तोड़ो, बाकी हम देख लेंगे। और कुछ पॉलिटिकल लोग का इन लोग के पीछे हाथ है, और कोई बात पीछे जीपी का काम चालू है, तो ये रास्ता बता के लोगों को माल बेच रहे हैं। और बाकी कोई मुद्दा नहीं है हमारा, हम तो लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा लीगल बनने वाला है। उसके पीछे कुछ अवैध इमारत बन रही है, अवैध इमारत बन रही है, काम चालू है, काम चालू होने वाला है, और वो बेचने के लिए रास्ता दिखा दे रहे हैं, काम चालू होने वाला है, ये रास्ता दिखा रहे हैं। इसके लिए मतलब के वो ये सब नौटंक लिए, बाकी और कोई बात ही नहीं है। हम लोग का टीएमसी का मतलब जो अवैध इमारत बना रहे हैं बिल्डर, वो रास्ता ये बता रहे हैं और ये बता के बेच रहे हैं, और ये रास्ता है नहीं। हाँ, और ये चांद जो है दलाल है, इसके पीछे सब लोग और लगे हुए हैं। चांद जो है दलाल है वहाँ का बेचने वाला, यानी घर जो बिकते हैं और जो भाड़े में जाते हैं वो यही रास्ता दिखा के जाते हैं, दिखा के जाते रास्ता, जबकि रास्ता हमारी जगह इम्तियाज को रुक जाए। जब रास्ता हो गया था, टूट गया था, तो लोगों ने उसको ज्यादा ही तोड़ दिए, आना जाना किए, लेकिन आना जाना कैसे था जब तक रास्ता खुला था, आते जाते थे। और यहाँ पर लाकर गाड़ियाँ खड़ा करना, जो भी झगड़े होते यहीं पर होते हैं, मार धाड़, फिर नाम लिखते किसका, बरकत पार्क का, पीना खाना सब कुछ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। जब ये बिल्डिंग का मतलब काम हो रहा है, हमने सबसे पहले बोले हम हमारी बाउंड्री जो पहले थी वो अब हम उठा लेंगे, तो हमने हमारी जगह को, हमने दीवार जो टूट गई थी तो नई सिरे से हमने बनाई ना, तो हमने कौन सा गुनाह किए, हम क्यों देंगे। आप खुद देखो ना, यहाँ से कोई रास्ता आपको दिख रहा है, कचरे का ढेर हमारी जगह पे डाला जा रहा है, जो कचरा डाला गया है सब हमारी जगह पे। बरकत पार्क का है कि वो इकबाल कॉलोनी का है, इकबाल कॉलोनी, रहमत चाल, गुलमोहर चाल, सब पीछे से लोग क्या कर रहे हैं, दीवार से फेंक रहे हैं इधर पे, हमारी जगह में आप तो देख रहे हो, यहाँ पे पत्रा लगा हुआ है, हम तो फेंकने जाएंगे, लेना चाहिए हमने, हमारे लिए घंटा गाड़ी आ रही है, वो भी हम नाके पे जाना पड़ता है, अब उनको घर तक चाहिए उनको घंटा गाड़ी, हम लोग भी तो जा रहे हैं ना घंटा गाड़ी में कचरा फेंकने के लिए। अगर बरकत पार्क अगर कितना कचरा गिरेगा भी ना, तो वो वहाँ गिरेगा जो वहाँ पे खाली प्लॉट है, वहाँ गिरता था पहला। आप लोग मुंबई पुलिस स्टेशन भी गए थे क्या? जी जी, हम लोग वहाँ पे कंप्लेंट करके आए हैं। क्या एफआईआर वगैरह है? जी जी, एएनसी क्या है? यही मतलब राइटिंग में कंप्लेंट दी है। हाँ जी, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से भी हमने लेटर दिया है, ये आप हमारा सोसाइटी का लेटर है, सोसाइटी का लेटर दिया है, और एनसी का ये यहाँ पे दीवार थी, राजू को तक का मालूम है, नगर सेवक है ना, आप राजू से पूछ लो, वो खुद यहाँ आकर मैच खेलता था। और आप क्या हैं यहाँ पे सोसाइटी के? ये हमारे यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं बरकत पार्क के, मैं यहाँ पे ट्रेजर हूँ, ये भी, और चेयरमैन साहब हमारे हैं सफी अहमद। अच्छा अच्छा, चेयरमैन साहब सब यही पे मौजूद है। आप लोग सब सोसाइटी गुलमोहर चाल का है ये, अपना जो इकबाल कॉलोनी का है कि बरकत पार्क का है? अस्सलाम वालेकुम, ये जैसे कि आप देख रहे हो ये कचरा पूरा 6-7 फुट तक आ चुका है, ये आप पीछे बिल्डिंग है इकबाल कॉलोनी, रहमत चाल, गुलमोहर चाल, ये सब उनके ही कचरे हैं। अच्छा, काफ़ी बार नगर सेवकों ने कोशिश की है, एक जब भी हमारे से कॉपरेशन का जरूरत पड़ी हमने उनको कॉपरेट किया है, डंपर लेके आया, जेसीबी लेके उन्हें साफ किए, कुछ हद तक हमने भी किए, लेकिन ये कचरे सारे उनके ही है। हमने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप अपने आदमी को रखो, कचरे की गाड़ी को रखो, जो भी करना है आप अपने हिसाब से करो, लेकिन आप प्लीज़ कचरा मत फेंको। तो ये जो कचरे का जो मुद्दा है वो यही है कि कचरा इनका ही फेंका हुआ है। अच्छा, नहीं ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि रास्ता बंद कर दिया है, हमको तकलीफ है, तो ये रास्ते का भी मसला बताया जाता है कि मतलब ये निजी संपत्ति है? हाँ, ये बरकत सोसाइटी की पर्सनल जगह है जी, और ये रास्ता पहले भी बाउंड्री लगी हुई थी। अच्छा, अभी बिल्डर ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो भी इनके साथ में व्यवहार किया हुआ है उसके बेस पे जो भी सोसाइटी ने जो भी बाउंड्री बताया है, तो बाउंड्री के हिसाब से जो भी टूटा फूटा था उसको रिपेयर करके उसको कर लिए। साथ में महिलाओं द्वारा जो है आपके ऊपर एक आरोप भी लगाया गया कि आपने इसी बीच जो है महिलाओं को धक्का मुक्की किया था, उसका क्या मामला है, वो कहां तक? मेरे पास फुटेज है, मेरे पास वीडियो है, मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मैं बाउंड्री के इस तरफ खड़ा था और मेरे और इनके बीच में तकरीबन 6 फुट का गैप होगा और ये उस तरफ खड़े थे। जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो इनने सबने अपने मुँह पे कपड़ा लगा दिए और मैंने देखा कि किधर ये मीडिया में बताया कि मतलब मैंने इनके कपड़े पे यहाँ वहाँ किया, ये सब झूठे आरोप है, ये झूठी बात है। मैं औरतों से अच्छे से बात किया हूँ और अच्छी बात तो ये नहीं लगी कि ये औरतों का मामला था ही नहीं, अगर कोई आदमी आके हमसे बात करता तो हम उनको समझा के भेज भी देते। फहद भाई, पहले भी ये रास्ता खोला गया था टीएमसी के द्वारा और एक नेता है शिवसेना के अनवर कच्ची, उनके द्वारा ये रास्ता खोला गया था,
फिर इसको एक बार आप लोगों ने बंद किया, उनका आरोप है डायरेक्ट? नहीं, मैं ये सब इसके बारे में नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है। मैं यहाँ पे 2019 से हूँ, उसके पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है।